इसके दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हम करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। दिस इज 196। तो क्योंकि इसकी यूनिट्स डिजिट 6 हैं तो आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 9 18 एंड 2 8 16। अगेन विथ 2 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7, राइट। स्क्वायर्स याद कर लीजिए, आपके लिए डिवीजन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 196 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 into 2 into 7 into 7। क्योंकि आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है तो 196 पर स्क्वायर रूट लगाइए। तो इसके फैक्टर्स पर भी आप स्क्वायर रूट लगाइए, पेयर्स बना लीजिए, राइट। सो हमने यहाँ पर पेयर बनाए हैं 2 के एंड 7 के, तो 2 बाहर ले लीजिए एंड 7। एंड सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। दैट मीन्स ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है। आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, 14 का स्क्वायर है 196 या फिर 196 का स्क्वायर रूट है 14। चलिए एक और पार्ट कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। सो अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2 2 4 0 2 4 8 एंड 2 8 16, 2 1 2 0, 2 2 4 and 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, 2 2 4 2 5 10 एंड 2 6 12। ये डिवीजन आपको आ जाना चाहिए आपको, राइट। 2 1 2 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको देख लेते हैं हम। अगेन जैसे अभी हमने 196 का और इससे पहले के दो पार्ट्स का किया था, सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको 4096 के फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 4096 कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 times 2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। अब इसी तरीके से क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप सारे फैक्टर्स इसके जितने भी हैं सब पर स्क्वायर रूट दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6, एक ही लाइन में लिखा है एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ये सब पर स्क्वायर रूट होगा, इसके ऊपर भी आप एक ही लाइन में इसको लिखने की कोशिश करिएगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और आप इसी तरीके से इन सब के पेयर्स बना लें और सब में से हम एक एक को बाहर ले सकते हैं। देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 2s हम बाहर ले लेंगे और इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 4, 4 16 एंड 16, 4 2 4, 4 8 16, 16 32, 32 16 4। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096। देखिए इसको लिखते हुए आप गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये इसी के आगे एक ही लाइन में लिखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख पाई हूँ। आप लोग कॉपी में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। पूरी एक लाइन में ये आपका जितने भी फैक्टर्स हैं पूरी एक लाइन में आने चाहिए। तो होप्स कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स को फॉलो करते हैं।
राइट, यहाँ पर दो दो के पेयर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है टू, इसलिए यहाँ टू के पेयर बनेंगे। जब बात आती है क्यूब रूट्स की तो क्यूब का मतलब होता है तीन, तो वहाँ तीन के ग्रुप्स बनते हैं। राइट, बस इस बात का ख्याल रखना है, डिवीजन आपको आता है, पेयरिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है, एंड हाउ टू मल्टीप्लाई एंड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट।